सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। भोजन परसना भी एक कला है। कई कई लोग बड़े उदार होते हैं परसने में और कई लोग बड़े कंजूस होते हैं। मैंने सुना है कि एक आदमी पहली बार शादी के बाद ससुराल गया तो नियम होता है कि भाई पहली बार जब जाए ससुराल तो अकेले नहीं जाना चाहिए, कोई किसी न किसी को लेकर जाना चाहिए, या तो मित्र हो या नगर का कोई ब्राह्मण देव हो। तो उसका कोई भाई नहीं था, कोई मित्र भी नहीं था, तो नगर के गांव के एक पंडित को लेकर, ब्राह्मण को लेकर पहली बार ससुराल गया। उसकी जो सास है बहुत कंजूस थी। अब पाहुन आए हैं, दामाद जी आए हैं, भाई खातिरदारी तो करनी होगी। अपने हाथों से उसने व्यंजन बनाए, बहुत सारे व्यंजन बनाए। और ऐसा नियम, कहीं कहीं का नियम होता है कि भोजन में पापड़ अनिवार्य है, जरूरी, कंपलसरी है। तो सोचा सास ने कि पापड़ न खाए तो अच्छा है, बच जाए हमारा पापड़। तो दूल्हे को यानी अपने जमाई राजा को, उसके जो दामाद है, उसको बार बार बातों में घुमा दे रही है कि उसका पापड़ की ओर मन ही न जाए। तो कहा, बेटे तुम जानते हो हम देहाती लोग हैं, कोई भूल हो जाए तो देखो नाराज मत होना, गुस्सा मत होना बेटे, अपना ही घर है तुम्हारा। दूल्हा बड़ा खुश हो रहा है कि ठीक है। तो दूल्हा तो मान गया है, लेकिन जो पंडित था उसका ध्यान पापड़ पर। और हुआ ये, वो जहां बैठा था वहां से रसोई घर में पापड़ दिख रहा था। तो उसने सोचा कि ये सास बड़ी कंजूस है, पापड़ नहीं ला रही है, सब भोजन कराया जा रही, पापड़ छोड़ दे रही है। बार बार जब ये कह रही थी कि हम देहात के हैं, देहाती लोग हैं, गांव के लोग हैं, भाई ब्राह्मण देव नाराज मत होना, तब पंडित से नहीं रहा गया। आधे घंटे हो गए पापड़ के इंतजार में, पंडित उठे भी ना, बैठा है थाल लेकर कि पापड़ आए, तब नहीं रहा गया। पंडित ने कहा कि ओ सासु माता सुनो, आप इतनी देर से कह रही हो हम देहाती हैं, हम भी देहाती ही हैं, हम लोग कोई शहर के नहीं हैं, और आप जानती हैं मैं तो गांव का गरीब ब्राह्मण हूं सासु माता, और आपको पता है गरीबों के घर कैसे होते हैं, मिट्टी के मकान होते हैं, छप्पर होता है ऊपर। पता है इस बार बारिश में इतनी तेज बारिश हुई माता जी, मेरा पूरा मकान गिर गया। अच्छा, ओ हो। पंडित ने कहा आगे तो सुनो, मेरे उस मिट्टी के मकान से इतना बड़ा सांप निकला सासू माता, मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था इतना बड़ा सांप। सासू माता ने कहा कितना बड़ा था? अरे बोले बस मत पूछो, इतना बड़ा सांप मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था, आपने भी नहीं देखा होगा। उसने कहा लेकिन फिर भी कितना बड़ा? तब पंडित ने कहा आप ये समझ लीजिए कि यहां से, जहां से मैं बैठा हूं ना, यहां से लेकर के वो रसोई घर में पापड़ दिख रहा है ना, वहां तक इतना लंबा था। सास समझ गई कि ये पंडित पापड़ के बिना नहीं मानने वाला। कहा महाराज मैं पापड़ भूल गई थी। पंडित ने कहा इसलिए तो सांप निकला, जा लेकर आ। कई लोग परसने में बड़े कंजूसी करते हैं। भोजन परसना भी एक कला है। यहां जो भोजन परसने वाले हैं बहुत अच्छे, और इस प्रकार हंसी मजाक करते हुए सभी लोगों ने भोजन ग्रहण किया और फिर सबको भेंट विदाई की जो नियम है, प्रथा है, वो सब पूर्ण करते हुए जनवासे में आकर के विश्राम करते हैं। और ठाकुर यहाँ ही विश्राम करेंगे, और इस बार की कथा जनकपुर में ही ठाकुर जी विश्राम करते हुए हम वाणी को विराम की ओर लेकर चलेंगे। लेकिन नियम है वही, तो जो अयोध्या में जन्म लिए थे ठाकुर जी, उनको तो घुमाकर अयोध्या पहुंचाना है ना। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संभाषणं।
बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। एक श्लोकी रामायण का गान करते हुए लगभग हर प्रसंगों को स्पर्श करते हुए अंतिम में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी वाणी को विराम किया और वाणी को विराम करते हुए एक बात कही, ते संसार पतंग घोर किरणई दहयंती नो मानवाह। जिसने भी भगवान की शरणागत कबूल कर ली, उनके नाम का आश्रय कर लिया, हकीकत में वही जीव भवसागर से पार हो सकता है। ये कहते हुए सप्तम स्कंद भगवान के चरणों में, सातवां पुष्प भी भगवान के चरणों में अर्पित किया। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेन वा बुद्ध्यात्मनावात् प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सीतारामायेति समर्पयामि। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलश विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम सप्तमः सोपानः समाप्तः। हरिः ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। आज 9 दिवस से बह रही मानस की मंदाकिनी विराम ले रही है। सियाजू के चरणों में ये मंदाकिनी आज विराम ले रही है। जिस प्रकार हर्षोल्लास के साथ भगवान जनकपुर आए और यहाँ जनकपुर वासियों के हृदय में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो गए, ऐसे ही हम सबके दिल में ठाकुर और सियाजू हमेशा हमेशा के लिए युग पर्यंत जीवन पर्यंत हमारे हृदय में वास करें, इसी उम्मीद के साथ इसी अभिलाषा के साथ हम सभी यहाँ से आज विदा होंगे। अपनी वाणी को विराम करूं, उसके पूर्व श्री हनुमान जी महाराज को आइए, हम लोग मिलकर के विदा कर देते हैं जिनको प्रथम दिन हमने आमंत्रित किया था। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करहु कल्याण। हनुमान जी महाराज को विदा करके आप सभी के दिल में बैठे हुए सियाराम जी को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन, और यहाँ पूज्य श्री महाराज राम तपेश्वरदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्री राजकुमार दास जी महाराज, और अदृश्य रूप से जो हमारे बीच पंजाबी भगवान विराजमान रहे, ऐसे परम सद्गुरु को, परम चेतना को भी व्यासपीठ से साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम करें। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।